जन्मों के विकार में विनाश करने की विधि क्या है? हमारा बाबा सहज विधि बताते हैं, जिसमें कोई भी मेहनत ना करनी पड़े वो विधि बताते हैं। क्या वंडरफुल विधि बताते हैं। पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि मैं आत्मा ने या किसी आत्मा ने जो परमधाम से आई है, जाने से पहले उसको हिसाब बराबर करना है। बिना हिसाब बराबर किए कोई भी आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती। अपने घर वापस नहीं जा सकते, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। हर आत्मा अपना अकाउंट बराबर करके ही जाएगी, चाहे वो राजी खुशी बराबर करे चाहे रो पीट कर करे। करना तो है, हर आत्मा को करना। तो 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये बात बुद्धि को समझानी है। चाहे मैंने सुख दिया है तो भी विकर्म है, चाहे मैंने दुख दिया है तो भी विकर्म। मैंने किसी आत्मा को चाहे सुख दिया है चाहे दुख दिया है, द्वापर के बाद वो सब विकर्म है। क्योंकि आत्मा समझ कर अकर्म और देह समझ कर किया गया कर्म विकर्म। 63 जन्मों से हम अपने आप को देह समझते आ रहे हैं, इसलिए विकर्म कर रहे करते आए हैं। और अब बाबा हमें आत्मा समझ कर कर्म करना सिखा रहे। अब विकर्म विनाश करने की बात आती है तो बाबा कहते बच्ची जितना जितना मेरी डायरेक्शन पर चलेंगे विकर्म विनाश होते जाएंगे, याद करेंगे विकर्म विनाश होते चले जाएंगे। क्या वो विकर्म भोगने नहीं पड़ेंगे? भोगने पड़ेंगे। वो विकर्म आएगा परंतु आपने अपने में उस विकर्म को सामना करने की शक्ति को डेवलप कर लिया है, परमात्मा के डायरेक्शन पर चल के अपने आप को मन मना भाव करके। क्या मन मना भाव किया कि हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करें। जो भी आत्मा जो कुछ भी कर रही है वो अपना अकाउंट क्लियर कर रही है। वो सुख देने वाला भी हो सकता है, वो दुख देने वाला भी हो सकता है। तो चाहे सुख देने वाला है तो चाहे दुख देने वाला है, परंतु अकाउंट तो बराबर हो ही रहा है। और विनाश का मतलब बच्चों की बुद्धि में, बाबा के बच्चों की बुद्धि में आता है कि बस अब हमने बाबा को याद कर लिया, अब हमारे पाप कट गए। पाप कट नहीं सकते
चूंकि परमात्मा के पास क्षमा करने की शक्ति नहीं है। क्षमा करे तो न्याय कैसे करेगा? दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए बाबा की डायरेक्शन पर चलने से एक तो अपने विकर्मों को सामना करने की शक्ति आपके पास आएगी कि ये मेरा ही किया हुआ फल मेरे प्रति आ रहा है, अच्छा या बुरा, क्योंकि ये मैंने ही दिया था। वो थोड़ा काम भी नहीं होगा, वो ज्यादा भी नहीं होगा, एक्यूरेट। एक्यूरेट ये बात याद रहे तो चाहे विकर्म की भोगना भोगनी पड़े, चाहे विकर्म का सामना करना पड़े, दोनों अवस्थाओं में ये अपने आप बराबर होगा। इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेहनत करने की जरूरत है इसकी कि मैं अब हर आत्मा को वो दूं जो मुझे चाहिए। मुझे प्यार चाहिए तो मैं सबको प्यार दूं, मुझे नफरत चाहिए तो मैं सबको नफरत, मुझे सहयोग चाहिए तो मैं सबको सहयोग दूं, मुझे सम्मान चाहिए तो मैं सबको सम्मान दूं। मैं वो दूं जो मुझे चाहिए, ये नहीं देखना है कि वो क्या दे रहा है और वो क्या दे रही है। जो करण के सो भरण के, तू क्यों भयो उदास। तो मैं समझता हूं विकर्म ऐसे विनाश नहीं होते कि अब मुझे वो दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, परंतु आत्मिक स्थिति में आप दुख को एक साइड कर सकते, क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये शरीर के, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूं। ठीक है, और कोई बात हो, विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, या आपका कोई प्रश्न है, कोई बात अस्पष्ट है तो इस नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें 9213106986। ओके।